हेलो फ्रेंड्स, सितारा क्रिएशन पे आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया आइडिया लेकर आई हूँ। तो देखिए, मैं उसका मेजरमेंट आपको पहले दिखा रही हूँ। 19x17 इंच का ये दो पीस है, एक चावल का जो बोरी आता है उसका और एक मेन फैब्रिक है। तो देखिए, दोनों को हम पहले चारों तरफ से स्टिचिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ, ठीक है कि नहीं। तो मेजरमेंट यहाँ पे हमारा ठीक है। अब हम छोटा सा स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो स्ट्रिप कट करके आपको दिखा रही हूँ उसका मेजरमेंट। तो लंबाई उसका 7 इंच है और चौड़ाई 2 इंच। तो देखिए, उसको ऐसे फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये छोटा सा स्ट्रिप को हम इसके बीच में लगाएंगे। तो पहले ऐसे बीच में मार्किंग कर लेते हैं, फोल्ड करके हम मिडिल पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके स्टिच, ये जो स्ट्रिप है उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। स्ट्रिप अटैच हो जाने के बाद अंदर की तरफ हम एक कपड़ा लगाएंगे। तो उसके लिए मैं एक अस्तर कपड़ा यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो ऐसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मैं स्टिचिंग करके आपको दिखा रही हूँ। स्टिचिंग हो जाने के बाद उसको ऐसे सीधी कर लेंगे। सीधी हो जाने के बाद थोड़ा सा हाथ से ठीक से कपड़े को पकड़ते हुए ऐसे प्रेस कर लेंगे और ऊपर की तरफ हम प्रेस्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्रेस्टिच हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम ऊपर की तरफ से 2 इंच पे ऐसे मार्किंग करके एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत आसान है दोस्तों इसको बनाना, और ये बहुत यूजफुल भी है। तो देखिए, हमारा ये लाइन ड्रा हो गया है। अभी नीचे की तरफ 1/2 इंच लेकर और एक लाइन हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो दोनों लाइन ड्रा हो गया है, सेम टू सेम नीचे भी ऐसे ड्रा करेंगे। तो दोनों जो ऊपर और नीचे की तरफ दो लाइन ड्रा हम किए थे उसको स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए, स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। तो साइड की तरफ देखिए ऐसे खुला रहेगा, उसके अंदर हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इलास्टिक का मेजरमेंट कर लेते हैं। जो हमारा चौड़ाई है, जितना भी चौड़ाई है उसका हाफ लेंगे। हाफ मेजरमेंट लेकर इलास्टिक को हम कट कर लेंगे दो पीस। तो दोनों पीस को हम उसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो सेफ्टी पिन से हम इलास्टिक को पिन अप करके यहाँ पे अंदर की तरफ हम ऐसे देखिए इंसर्ट करेंगे, और साइड की तरफ इलास्टिक को पिन अप करके आगे की तरफ हम इंसर्ट करते हुए जाएंगे। तो इंसर्ट हो जाने के बाद दोनों साइड हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो आपको दोनों साइड हम इलास्टिक इंसर्ट करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ऊपर की साइड तो हो गया है, अभी नीचे की साइड भी हम कर लेंगे। दोनों साइड हो जाने के बाद ऐसा दिख रहा है। देखिए, अब हम खुला साइड जो है उसको हम सिलाई करेंगे। तो देखिए, ठीक से पकड़ते हुए हम ऐसे सिलाई कर लेंगे। जो रॉ पेजेस है उसको भी हम पाइपिंग लगाकर यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, सिलाई हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ऐसा दिख रहा है ये। तो उसको सीधी तरफ को ऐसे हम पलटाएंगे। ये बहुत यूजफुल है फ्रेंड्स, आप ज़रूर एक बार घर पर बनाकर यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना ये स्टोरेज बैग। इसके अंदर हम पॉलीथीन स्टोरेज करेंगे और जब चाहे हम यूज करेंगे। तो देखिए, ये बहुत आसान भी है बनाना और बहुत सुंदर भी दिखता है, और आपके किचन में उसको हैंग करेंगे तो अच्छा भी दिखता है। तो देखिए, हम यहाँ पे पॉलीथीन स्टोर कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ऐसे स्टोर करेंगे और उसको फिर बाद में नीचे की तरफ कैसे निकालेंगे, देखिए आपको ये वीडियो में दिखाऊंगी, वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए, ऊपर की तरफ तो स्टोर कर लिए, अभी नीचे की तरफ ऐसे जितना आपको चाहिए उतना निकाल कर आप यूज कर सकते हैं। एक के बाद एक पॉलीथीन यहाँ पे निकलेगा
और फिर ऊपर की तरफ ऐसे आप स्टोरेज करते हुए जाएंगे। तो ये आप किचन में ऐसे हैंग कर सकते हैं, ये बहुत सुंदर भी दिखता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो में हैंग करके आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना। आपका अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं नए आइडिया लेकर।